नमस्कार दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के हिसाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्योंकि बहुत आसान से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन स्पेंड इन 8 मंथ एज मच एज ही अर्न्स इन 6 मंथ, यानी कि ही वॉट एवर ही अर्न्स इन 6 मंथ्स, वॉट एवर ही अर्न्स इन 6 मंथ, टू दैट मनी ही टेक्स 8 मंथ्स टू स्पेंड। ओके, मीन्स जितना भी 6 महीने में कमाता है उसको 8 महीने लगता है खर्चा करने में उतना। तो समझो कि 8 महीने में उसने, जस्ट सपोज कि 8 महीने में उसने हर महीना 100x कमा रहा है, तो 8 महीने में 800x कमाया, सॉरी यहाँ पे कमाया नहीं खर्चा कर रहा है। तो समझो कि 6 महीना कमा रहा है, तो 6 महीना कमा रहा है इसका मतलब हुआ कि अगर हर महीना 100x कमा रहा है तो 6 महीने में 600x कमाएगा, 600x। ओके, ये मिटा दे रहा हूँ, ये मिट गया। ठीक है, नाउ अगर ये 6 महीने में 600x कमा रहा है तो 12 महीने में कितने कमाएगा, 1200x, 1200x। ओके, दिस इज द अमाउंट ही विल अर्न इन 8 मंथ्स, 12 मंथ्स। नाउ ये 600x जितना कमा रहा है, 600x 6 महीने में कमा रहा है, ये 600x इसको 8 मंथ लग जा रहा है, यानी 8 महीना में ये 600x खर्चा कर रहा है। ओके, यानी कि 12 मंथ में कितना खर्चा करेगा, 12 मंथ में कि अगर 8 महीने में 600 कर रहा है तो 12 मंथ में कितना करेगा, डिवाइड बाय 8 होगा, इनटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 × 2 = 8 चलती है 12, ये हो जाएगा कितना, 3 × 3 = 900, 900x खर्चा करेगा, यानी कि 1200x अगर 12 महीना में कमाएगा तो 900x खर्चा करेगा। कितना बचा यहाँ पे, 300x, 300x बचाएगा ये, 300x एक साल का बाद, क्योंकि क्वेश्चन आप बढ़ोगे ये सिर्फ 6000 इन 1 ईयर का बात कर रहा है, तो एक साल में हमारा कितना सेव हो रहा है, 300x, इस 300x का वैल्यू अगर 6000 है तो यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 20, x का वैल्यू 20 हो जाएगा ना। x का वैल्यू अगर 20 है तो क्या पूछ रहा है, एवरेज मंथली इनकम। ओके, एवरेज मंथली इनकम, सो इन 12 मंथ इट इज अर्निंग 1200, और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 20, डिवाइडेड बाय आपको कर देना है 12, क्योंकि हमें मालूम चलेगा कि टोटल एक साल में इतना कमाता है तो हर महीना कितना कमाएगा, 2000 रुपीज। ठीक है, आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, पूरे डिटेल मैंने समझाया। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।